बस तुमसे यही पूछना था कि क्या तुम्हें भी वही एहसास हो रहा है जो कि मुझे हो रहा है। आपको कुछ चाहिए? हाँ? आप बहुत देर से इसी तरह चुपचाप यहीं खड़े हैं, तो मुझे लगा शायद आपको कुछ चाहिए होगा। हाँ, मुझे वो ये मैं मेरी शर्ट लेने आया था। एक मिनट रुकिए, आपकी दो शर्ट्स वहां भी हैं, वो सूख गई हैं, वो भी ले जाइए। कैसे बात करूं सर उससे? ऐसा लगता है कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये लीजिए, ये भी सूख गई हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू। वो बड़ी अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है, उन्हें दवा दे के आई हूँ, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। गुड। सुनो, और हाँ, उस रात जो कुछ हुआ मैं उसके बारे में भी उस दिन तुम कुछ कहना चाहते थे जब तुम कमरे में आए थे। हाँ, वो बस मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। शुक्रिया अदा तो तुमने कर दिया था, वो उसके बावजूद तुम कुछ और कहना चाहती थी और लतीफ आ गया एंड यू कुडंट। अच्छा, वो? हाँ, वो मैं कहना चाहती थी कि जिस दिन से वो सब हुआ है ना, तब से मैं महसूस कर रही हूँ कि हाँ सना, बोलो, क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं कर रहा हूँ? कि जैसे मैं बहुत ही कमजोर हो गई हूं, शायद मैं उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही हूं, और पता नहीं कमजोरी सी लगती है, शायद काम भी ठीक से नहीं कर पा रही हूं। और कुछ नहीं कहना था? नहीं। तुम्हें और कुछ याद नहीं? मुझे तो ये भी याद नहीं था, ये भी मुझे लतीफ ने बताया कि आपने खुद मेरी देखभाल की। पता नहीं, शायद वो दवाओं का असर था, होश ही कहां था मुझे, कुछ भी याद नहीं कर पा रही हूं मैं। मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं? मैंने कोई गलती कर दी क्या? देखिए, मैं सच में कह रही हूं, मुझे कोई होश नहीं था, मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे माफ कर दीजिए। धो देना, ठीक से धुले नहीं है।
क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों चले गए? जल्लाद, नहीं नहीं, जल्लाद जिन तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जान बचाई है इन्होंने, लेकिन मैंने शुक्रिया अदा कर दिया ना, और गलती भी कोई नहीं कही, फिर भी मैंने माफी मांगी। कोई गलती हो गई क्या मुझसे वाकई? लतीफ ने बताया कि आपने खुद मेरी देखभाल की। निकाह निदा से? तो इसमें बुराई क्या है? नाहिल बेटा, तुम्हारी बहनों का क्या, बड़ी बेगम का क्या,